अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेट टूल के बारे में, रिफ्लेक्ट टूल के बारे में, और सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मैं लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। चले चलते हैं हम ट्यूटोरियल की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को रोटेशन करनी है तो रोटेट टूल एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगा। किसी चीज़ को रोटेट करने फर्ज करें कि मैंने एक लिप्स लगा ली, इसको मैंने रेड कलर दे दिया, स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं रोटेशन करना चाह रहा हूँ एक पॉइंट पे। एक सर्कल भी लगा लेता हूँ, सर्कल का कलर मैं लिख लेता हूँ ग्रे कलर, राइट क्लिक करके इसको मैं बैक पर कर देता हूँ, और इसको दोनों को सिलेक्शन के हिसाब से सेंट्रलाइज कर देता हूँ। इधर से पकड़ इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। ओके, हमें इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। हम लोग रोटेट टूल पे गए, इसका एंकर पॉइंट ऑल्ट प्रेस करके ये रखा, और इसको हमें कॉपी चाहिए। हमें इसको अगर कॉपी नहीं चाहिए तो ओके करेंगे तो ये डायरेक्ट मूवमेंट होगा। कॉपी ले ले इसकी, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये अपनी जगह पर रोटेट करेगा। कंट्रोल डी, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट रोटेशन के लिए हम लोग रोटेट टूल यूज़ करते हैं। जितनी ये स्पेस है उतनी ही ये स्पेस है, उतनी ये स्पेस है, उतनी ये स्पेस है। फर्ज करें कई दफ़ा हम लोगों को, दोबारा मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। कई दफ़ा हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोगों ने स्टार्स मूवमेंट करनी होती है, और एक ही मूवमेंट में हमने स्टार को मूवमेंट करना पड़ता है। कई दफ़ा हम लोग लोगो बना रहे होते हैं या कुछ भी, हम लोग इनको इसका सेंटर पे रख देते हैं, इसको यदि सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं, ये इसका सेंटर आ गया। ये हमें पता लग गया ये जो है इसका सेंटर है, ये चीज। इसको हमने सिलेक्ट किया, रोटेट को सिलेक्ट किया, अल्ट प्रेस किया, और ये रोटेशन आ गई इसकी। फर्ज करिए अगर आप 20 नहीं देना चाह रहे इस पर, आप 10 दें, कॉपी करना है, कॉपी में सिलेक्ट करना है, कॉपी को सिलेक्ट करेंगे, ये इसकी कॉपी हो जाएगी। लेकिन ये देख रहे हैं आप के, लेकिन ये ऊपर ही आ रहा है, इस वजह से आप क्या करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, फिर रोटेशन टूल पर सिलेक्ट करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे, अब इधर देंगे, इसको ऐसा करते हैं हम 40 दे देते हैं और इसकी कॉपी ले लेते हैं। कंट्रोल डी लेंगे, ये देखें एग्जैक्टली द सेम पॉइंट्स उसने रोटेट करके हमें हमारे सामने चीज को ले आया। ना सिर्फ सर्कल, ना सिर्फ कुछ, आप ये स्पाइरल ले लें, स्पाइरल को मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, 8 स्ट्रोक का दे देता हूँ। इसकी थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, और जबकि इसकी स्ट्रोक में थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी आए स्पाइरल में। ओके, स्पाइरल को मैंने देना है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट में कोई भी दे सकता हूँ। रोटेट टूल सेलेक्ट किया, और ये फर्स्ट करें मैंने इसको सेंटर पॉइंट दे दिया, और इसको मैंने सेंटर पॉइंट पर रख दिया। 10 के बाद ये एक रोटेशन दे, कंट्रोल डी, ये स्पाइरल रोटेट किया, और ये ऑप्शन हमारे पास सामने आ गई। यही चीज स्पाइरल हम लोग अगर थोड़ा सा ओवर स्पेस दे के इसको रखते हैं। रोटेशन टूल सेलेक्ट किया, ये इधर हमने इसकी रोटेशन पॉइंट रख दिया, और इसको रखते हैं हम लोग कॉपी, और उसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखें कंट्रोल डी,
ये हमारे पास एंटर पॉइंट आ गया। ओके ये हमारे पास ये सब आ गए, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस कर लिया। इसको छोटा कर लिया थोड़ा सा, इसको स्ट्रोक मैंने कम कर ली। एक और शेप थोड़ा सा मैं बनाता हूँ जो एग्जैक्ट किसी के सेंटर में हो, किसी के सेंटर में करने के ग्रुप इसको मैं करूँगा। ग्रुप करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि इसका सेंटर क्या है। ये आ गया इसका सेंटर हमारे पास। इसको मतलब जो भी चीज़ हमने बनानी है हम इसके सेंटर दे सकते हैं। उसका ये चीज़ है हमारे पास, हमने इसको कुछ दे दिया, स्टोक इसकी ख़त्म कर देंगे। इसका सेंटर हमें ये देना है ग्रुप चेक बनाने के लिए। रोटेशन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट प्रेस कर किए रखा और ये मैंने इसको रोटेशन दे दी। इसको मैं 20 दे देता हूँ। ओके और कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल डी। ओके इधर इधर मेरे पास शेप हमारे पास आ गई। रोटेशन टूल से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ को रोटेट करवा सकते हैं। एक ही एंगल पे डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग रोटेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके सामने, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने, दोबारा उसी पॉइंट पर लेकर रखा इसको, सेंटर पर राइज किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, सिलेक्शन की और फाइंडर टूल से हम लोग ये नीचे वाले को अलग कर लिया। ओके दोबारा से कंट्रोल से कंट्रोल डी भी करेंगे तो वो सेम पॉइंट पे आपके पास आएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल डी हमने अगेन से किया, दोबारा सेम पॉइंट पे रखा और उसको करके छोटा कर दिया, दोबारा सेम उठा लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल डी किया, दोबारा सेम पॉइंट पे रखा, इधर से भी इसको छोटा कर दिया। ओके इसको हमने ग्रुप कर लिया, रोटेशन टूल पकड़ा, ऑल्ट प्रेस करके रोटेशन इसका सेंटर ये कर दिया और इसको हमने 30 दे दिया और इसकी कॉपी निकाल ली। कंट्रोल डी प्रेस किया, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। रोटेशन टूल के जरिए हम लोग किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ और डिफरेंट शेप्स मैंने आपको बता के दिखाई कि आप रोटेशन टूल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और किस तरह इसको काम इसका हो सकता है। नेक्स्ट एक और शेप है आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। इसका नहीं बैक सर्कल ले लिया मैंने, रोटेशन टूल सेलेक्ट किया मैंने, और प्रेस किया और इसको इधर रोटेशन दे दिया। इसको मैंने टेन कर दिया और कॉपी कर दो, और मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, मैं रोटेशन और प्रेस किया और ये कर दिया। इसको मैं टेन दे देता हूँ और कॉपी कर लो। वॉचेस बनाने के लिए भी आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। बस करने की आपने एक वॉच बनानी है। ओके आपने डिफरेंट सेगमेंट्स लेने हैं,
अब सेगमेंट्स इसके देने हैं, कैलकुलेटर में जाएंगे। ये 360 का एक सर्कल होता है, 360 डिवाइड बाय जब आप ट्वेल्व करते हैं तो 30, 30 का स्पेस हम देंगे तो हमारा एग्जैक्टली 12 सर्कल तक जाएंगे। थर्टी के स्पेस पे ये सिलेक्ट कर लिया हमने सेंटर पॉइंट, इसका ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। हम ये चीज पकड़ ली, पकड़ ली इसको, इसके सेंटर कर दिया। ओके, ये आपके पास सेंटर पॉइंट आ गया, आपने सर्कल सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट को इस पे कर लेते हैं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। ओके, ये आपका सेंटर पॉइंट है, रोटेशन पे क्लिक किया, आर्ट पे क्लिक किया, रोटेट कर दिया, इसको भी लेते हैं 30, कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी, थ्री सिक्स थ्री नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ओके, ये आपके पास घड़ी के वैल्यूज बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो राउंड आपने कैसे करना है शेप्स को, उसके लिए आपके पास ट्रायंगल है, आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप काउंट करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें तमाम साइड्स आपकी राउंड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंगल एक जगह को राउंड करना है, उसके लिए आपने इस साइड को सिर्फ राउंड करना है, तो आप डायरेक्शन ऑप्शन टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको मिनिमाइज करेंगे, तो देखें बाकी चीज़ों पर इफेक्ट इसका नहीं आ रहा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको राउंड कर लिया, इसके जिस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको मैं राउंड करना चाह रहा हूँ, राउंड हो गया। शेप हमारे पास पॉलीगोनल शेप, पॉलीगोनल शेप में भी हमारे पास, अगर सिर्फ हम इसको राउंड करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास राउंड हो गया। अगर इस एरिया को राउंड करना चाह रहे हैं तो ये राउंड हो गया, तो ये शेप हमारे पास बन गई। इसके आपकी मर्जी है कि आप जो है किस तरह इसको यूटिलाइज करते हैं राउंड शेप को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्ट टूल के बारे में। हमने रोटेट टूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर ली और ये चीज़ें बना ली। अब हम और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल भी मैंने आपको सिखा दिया। अब हम पढ़ते जा रहे हैं रिफ्लेक्ट टूल के बारे में। रिफ्लेक्ट टूल का क्या मतलब है? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जो है ना किसी चीज़ का, इसके अगर सेम चीज़ अगर आपने रिफ्लेक्ट करनी हो तो उसके लिए रिफ्लेक्ट टूल यूज़ करते हैं। फर्ज किया मैंने एक सर्कल ले लेता हूँ। ओके, सर्कल को मैं सेंटर से ऑफ कर देता हूँ, इसकी मैं लाइंस ऑफ कर देता हूँ, ये आ जाता है जी इसका सेंटर। ओके, चलिए इस चीज को छोड़ें क्योंकि पाथफाइंडर अभी मैंने आप लोगों को समझाया नहीं है। मैं आपको उसी तरह लेके चलता हूँ जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको सीजर टूल से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये लेंगे साइड पे क्लिक किया, लास्ट जो क्लास थी हमारी सीजर टूल की, ये देखें ये हमारे पास, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब आ गया रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल का क्या फायदा होता है? रिफ्लेक्ट टूल पे जब हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक मैंने फर्स्ट किया, इसको कर लिया डबल क्लिक। ओके, ये हमें ऑप्शन दे रहा होता है कि आप ये किस तरफ इसको रिफ्लेक्ट करना है और किस एंगल में रिफ्लेक्ट करना है। ओके, पहले सिलेक्शन कर ली। ओके, रिफ्लेक्ट टूल पे क्लिक किया तो ये मेरे पास, ये इसे बोलते हैं पिवट पॉइंट।
प्यूर पॉइंट जिस हिसाब से आप इसको रिफ्लेक्शन करवाना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें स्टील को देख लेते हैं हम लोग, अपना प्यूर पॉइंट चेंज कर लेते हैं। रिफ्लेक्ट पे मैंने क्लिक किया, अपना प्यूर पॉइंट ऑल पकड़ के मैंने अपना प्यूर पॉइंट चेंज कर लिया। ओके, अब अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ, कॉपी पे क्लिक करूंगा, प्रीव्यू साथ कर लेता हूँ कि नजर आए कि क्या कुछ हो रहा है। कॉपी मैंने क्लिक किया तो कॉपी हो गई। ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल दोबारा से बन गया है जिधर से हमने शुरू किया था, दोबारा उसी जगह पे आ गया है। इसको हम लोग कर देते हैं कलर, कलर कर देते हैं ताकि इसकी डिफ्रेंसिएशन हम लोग पता लगती रहे। ओके, नेक्स्ट हम लोग ऐसा करते हैं कि पॉलीगॉन बना लेते हैं। पॉलीगॉन मैंने बना ली, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ जैसा कि हमने टूल्स में पढ़ा था लास्ट अपनी क्लास में, मैं पढ़ा था सीजर टूल। मैंने क्लिक कर ली इसकी, फिर सीजर टूल पे क्लिक किया, अपनी मर्जी से इसको क्रॉप कर लिया, इसको पकड़ के डिलीट कर दिया। जब इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो ये रिफ्लेक्ट अपनी जगह पे हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको पकड़ के इसके पिवट पॉइंट को इस जगह पे ले जाते हैं ताकि ये इस जगह पे रोटेट हो और कॉपी होना चाहिए। तो ये देखिए लिटिल बिट आगे पीछे हो गया, इस वजह से थोड़ा बहुत वो ऐसा लग रहा है, बाकी अदरवाइज ये देखें हमारे पास रिफ्लेक्ट टूल का फायदा है। किसी भी चीज़ को आप रिफ्लेक्शन करने के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हो। फर्ज करें कि आपने ये स्पाइरल ले लिया है, स्पाइरल को ब्लैक कर दे देता हूँ, स्टॉप में दे देता हूँ। ओके, रिफ्लेक्ट टूल क्लिक किया मैंने, इसका प्यूर पॉइंट पकड़ के इधर रख दिया। तो ये देखें इसकी मैं कॉपी चाहता हूँ और ये देखें ये आ गया आपके पास। ओके, ये देखें कि दे जबरदस्त रिफ्लेक्शन, मीन्स के हर चीज़ को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर कोई अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप एक साइड बनाओगे और दूसरी साइड को रिफ्लेक्ट कर दोगे तो वो सेम टू सेम, अगर आप सेम टू सेम चाहते हो तो रिफ्लेक्ट होगे दूसरी तरफ आ जाएगी। ओके, फर्स्ट क्या मैं स्टार ले लेता हूँ, स्टार को ऑल प्रेस करके इधर इसका प्यूर पॉइंट रख देता हूँ और कॉपी ले लेता हूँ। ये देखिए इस प्यूर पॉइंट जो हमने रखा उस पर ये दोनों एक रिफ्लेक्ट हो गए। ओके, सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पुरानी क्लास के बारे में आ रहे हैं या इस क्लास के बारे में आ रहे हैं तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट्स में पूछिएगा। और अगर आप अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा जिसमें मैंने सीजर रेजर और नाइफ टूल के बारे में एक्सप्लेन किया था तो ऊपर लिंक आ रहा है, तो उधर जाइए और मेरा सेकंड ट्यूटोरियल देख लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।